देखो, आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे मध्य डॉक्टर मनोज मित्तल आए हैं। MBBS MD डॉक्टर हैं ये, और पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर हैं, और काफ़ी लंबे समय से, मेरे हिसाब से पिछले 25 साल से चिकित्सा कर रहे हैं, और कई सारे अवार्डों से नवाजे गए हैं। मोर देन 60-70 कॉन्फ्रेंस इन्होंने, सेमिनार भी अटेंड किए हैं, और अपना पब्लिकेशन भी किया है, और आयुर्वेद का, योग का, एलोपैथिक चिकित्सा का, घरेलू नुस्खों का, और हमारी जो आध्यात्मिक चिकित्सा है उसका, मतलब तमाम ऐसी चिकित्साओं का कम्बिनेशन इनमें देखने को मिलता है। और ये रोगी को ठीक करने में बिलीव करते हैं, रोगी को चक्कर कटाने में बिलीव नहीं करते, ये उसको ठीक करते हैं। मतलब इनके अंदर में मैं देखता हूँ कि ये आयुर्वेद को अप्रोच पहले देते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर होते हुए आयुर्वेद को अप्रोच देते हैं, और साथ में एक योगी का जीवन ये जीते हैं। ये योग के बारे में बोलते नहीं हैं, ये योगी का जीवन जीते हैं। खुद इनका जीवन ऐसा है, बिल्कुल योगमय जीवन है। मतलब आप ये लगाओ कि सुबह 3 बजे उठना और रात को 11 बजे सो रहे हैं, और उसमें भी ये लगे हुए हैं, और इनके बच्चे भी इसी तरह से योगमय जीवन है। इनके जो रोगी हैं ये उनको भी योगी बना देते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब आपके बीच में हैं, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इनको मंच दे रहा हूँ, ताकि आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और अपना ज्ञान वर्धन करें। बहुत बहुत वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर। प्लीज़, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? पहुंची आवाज़? डॉक्टर अमित ने बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। मैं तो छोटा सा हूँ आप लोगों की तरह से, एक मैं भी शिक्षा वो हूँ, मैं भी शिक्षा ले रहा हूँ, और आप लोगों से भी कुछ ना कुछ शिक्षा लेके जाऊँगा। मैं चाहूँगा कि फीडबैक आप लोग भी देते रहें। तो मैं पिछले 20 साल से करनाल में हूँ। वैसे तो मैं एलोपैथी डॉक्टर हूँ, MBBS MD हूँ, लेकिन मेरा आयुर्वेद में और होलिस्टिक अप्रोच में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन। जैसे आजकल IMA का रुख है कि भाई आयुर्वेद को सर्जरी करने ना दी जाए, लेकिन मेरा थोड़ा सा अपना पक्ष अलग है कि अगर सब लोग मिलकर, जैसे नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि समग्र होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, किसी भी तरह से मरीज का हित होना चाहिए। अगर मरीज का हित किसी जड़ी बूटी खा के हो सकता है, पिछले 1 साल में एलोपैथी की वजह से किसी भी महामारी में कोई एकदम ट्रीटमेंट सीधा नहीं मिल पाया कि वायरस मर जाए तो, लेकिन जो गिलोय का, तुलसी का, और इसका जो काढ़ा था, काढ़ा से बहुत लोगों को सपोर्ट मिला है, और इम्यूनिटी अच्छी भी हुई है। और वैसे भी भारत में इन चीज़ों का उपयोग करते ही रहे हैं, इसलिए भारतीयों में बड़ा कम प्रकोप देखने को मिला। और जैसे इटली जैसे देश जो बड़े एडवांस समझते थे अपने आप को, जिनकी बड़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर थी, कहते हैं भी डॉक्टर पेशेंट, जो डॉक्टर और पॉपुलेशन रेशियो जो होता है इंडिया का, तो सबसे ज़्यादा है, और वहाँ पे 15 लोगों पे 20 लोगों पे एक डॉक्टर है, फिर भी वहाँ पे इतनी कैजुअल्टी हुई, इतने केस हुए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक थी, उनका प्रकृति में विश्वास कम था। तो यहाँ पे प्रकृति में जो विश्वास है और होलिस्टिक अप्रोच जो है, तो उससे भारत काफ़ी जल्दी बाहर निकल आया, और इसके लिए इसी चीज़ को श्रेय जाता है कि हमें सबको मिला के, सबके साथ में चल के, सारे चाहे एलोपैथ हो या आयुर्वेद हो या नेचुरोपैथ हो, योग हो, लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन हो, सबके साथ अगर किसी भी चीज़ का सामना कर सकेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोग तो बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग हमारा काम, हमारा बर्डन कम कर रहे हैं। जितना अगर हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए अवेयरनेस रहेगी सब में, सब लोग अवेयर रहेंगे, तो उससे डॉक्टरों का बर्डन कम होगा और बीमारियाँ होंगी नहीं। तो वो जिम्मेदारी आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उससे बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए, आजकल इतना ज़्यादा खाने पीने का अभाव नहीं है जितना कि मशीनरी ख़राब करके लोगों ने, प्रकृति से दूर हटके। जितना हम प्रकृति से दूर हटेंगे, नकली हमारा भोजन, आर्टिफिशियल भोजन, बासी भोजन, जितने भी जंक फूड आ रहे हैं आजकल, बेकरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या फिर बाजार की चीज़ें हैं, बासी भोजन है, वो सब बीमारी का कारण है। तभी कई करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है, कई करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, कई करोड़ लोगों को फंगल इन्फेक्शन है। मुझे इस चीज़ का तब पता लगा जब मैंने एक आयुर्वेदिक अप्रोच अपना के और एक फंगल इन्फेक्शन के लिए वीडियो रिलीज़ करी, तो 30 दिन में वो वीडियो 30 मिलियन लोगों ने देख ली। 30 दिन के अंदर 300 लाख लोगों ने देख ली कि ये बिल्कुल सही बात बताई है, क्योंकि दवाई लेके भी फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। मेरे पास लंदन से फ़ोन आते हैं, साउथ अफ्रीका से फ़ोन आते हैं, लीबिया कि डॉक्टर साहब यहाँ तो पूरे लंदन में हर घर में फंगल इन्फेक्शन है, स्किन डिसीज़ है। तो क्योंकि लाइफस्टाइल अननेचुरल हो गई है, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल हो गई है, तो नेचुरल लाइफस्टाइल हो, खान पान के सही तरीकों का पता हो, तो हमारे सारे सिस्टम मुकम्मल रहेंगे, चाहे हमारा GIT हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, हमारी इम्यूनिटी हो, सारे सिस्टम बरकरार रहेगा। क्योंकि मेरे को तो, मैंने तो 7 चक रखा है, मेरे को इस चीज़ का अच्छा खासा पता है। पिछले 15 सालों से मैं स्वामी जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, स्वामी जी आए थे तो एक दिन घर रहे, स्वामी रामदेव जी, तो जितना नेचुरल खान पान, रहन सहन उन्होंने भी देखा, हमारा भी, और हमने उनसे सीखा, तो कह रहे कि डॉक्टर साहब बड़े अच्छे सही पटरी पे चल रहे हो, ऐसे चलो। 15 साल से मैं जितनी भी मर्जी गर्मी हो, मैं पंखा नहीं चलाता, बिना पंखे के मच्छरदानी में सोता हूँ, 15 साल हो गए, जितनी मर्जी गर्मी हो। तो
तो वो तभी ये चीज़ आती है जबकि हमारा खान पान नेचुरल है, लाइफस्टाइल नेचुरल है। 15 साल से मैं 2 ही टाइम खाना खाता हूँ और उसे शरीर निरोगी रहता है। ज़्यादा खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन ही ठीक होता लोगों का, और कम खाने वाले को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। तो आप देख लो कौन सी चीज़ अच्छी है। तो इसी तरह से बेटा मेरा MBBS करा, फाइनल ईयर में है, तो उसका भी नीट में 42 रैंक आया था, अच्छा खासा सिलेक्शन हो गया। गुड़िया भी है, गुड़िया भी 13-14 साल की है, तो गुड़िया जो है 14 साल की हो गई। इसे पूरी भगवद्गीता कंठस्थ है, पूरी भगवद्गीता याद है, 14 साल की बच्ची है। तो ये संदीप आरा जी बैठे हैं, इन्होंने योग सिखाया इसको। जब 2.5 साल की थी तो योग करने लगी है 2.5 साल की उम्र में, और 3 साल में योग की बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई। सारे स्वामी जी वाले आसन प्राणायाम आगे से 1 घंटा योग करना शुरू कर दिया 3 साल की उम्र में, और 3 किलोमीटर की सैर शुरू कर दी। तब से लेके अब डॉक्टर अमित के पास जाती है डेली, आजकल डॉक्टर अमित हैं इनके पास क्लास में, योग क्लास में जाती है। पिछले 11 साल से लगातार योग करती है, और डेली 5 बजे नहाती है, ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेती है रोज़। 14 साल हो गए, 14 साल से डेली हम लोग नहाते हैं। तो ये रोज़ जब से पैदा हुई थी डेली 5 बजे नहाना, 4:30-5 बजे। अगर ऐसी लाइफस्टाइल होगी फिर नहीं दिक्कत होती। जहाँ हम नेचर से दूर गए, देर से सोना, देर से उठना, वो सारा बीमारी का कारण है। तो लाइफस्टाइल अगर ठीक रहेगी, मुट्ठी में रहेगी, फिर बीमारी हो नहीं सकती। मैं तो मैराथन रनर भी हूँ, तो मेरी स्प्रिंट भी बड़ी अच्छी है, और मैं 10 किलोमीटर की दौड़ में मेरे को 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर। तो अगर ज़्यादा खाएंगे, जो 3-3 टाइम खाते होंगे शायद वो पीछे भी रहे हैं, और मैं तो 2 टाइम खाता हूँ। और 6 साल हो गए, चतुर्मास का जो समय होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सावन, भादो, कार्तिक, आशुन, इसमें मैं एक ही टाइम खाना खाता हूँ, 6 साल हो गए, उसे शरीर निरोगी रहता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़्यादा खा के नहीं, कम खाएं, गम खाएं, हमारा तो शुरू से भारत का ऐसा इस चीज़ में रहा है। और नेचुरल खाएं, कोई भी बासी चीज़ का उपयोग ना करें, बासी चीज़ से हमारा सिस्टम ख़राब होता है। बासी चीज़, राजीव दीक्षित जी हमारे घर आए थे, तो वो 2 दिन रहे, मैं 2 दिन मैंने रखा था उनको, और कई गाँवों में मैं लेके गया, कई गाँव में गए मेरे साथ में, स्टोंडी में गए, सगे में भी गए, और कई कॉलेज में गए, दून वैली कॉलेज में मैंने उनका व्याख्यान करवाया, और गांधी फार्मेसी कॉलेज में कई उसमें तो ये आए थे। तो इन्होंने भी बड़ा सराहा कि डॉक्टर साहब नेचुरल तरीके से रहते हो और ऐसे ही करो तो अच्छा रहेगा, समाज की सेवा अच्छी हो पाएगी। तो उसमें लाइफस्टाइल के जो नेचुरल जो स्टेप हो सकते हैं उनकी बराबरी हो नहीं सकती। तो अब पीतल के बर्तन में हम लोग कलाई अंदर करके वो यूज़ करते हैं, और उसी से शनि रोग रहता है। जितना ज़्यादा आर्टिफिशियल की तरफ जाएंगे हम लोग, तो इन्होंने बताया कि 48 मिनट के अंदर जो खाना खा लिया हमने वो तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2-3 घंटे पहले का हो, लेकिन बासी चीज़ ना खाएं। जितनी भी बाजार की चीज़ें बासी चीज़ें, तो जंक फूड, बेकरी का फूड, इससे बच के 4 व्हाइट पॉइजन, ज़्यादा सिंपल नमक के बदले में अगर सिंधा नमक यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और चीनी के बदले में देसी खांड यूज़ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जितना ट्रांसफैट ज़्यादा यूज़ ना करें, अपनी मेहनत के अनुसार खाना खाएं। जितनी हमारी मेहनत है नहीं, और टेस्टी खाना खा लिया हमने पेट भर के, तो उससे फिर कॉन्स्टिपेशन और ये सारी पाइल्स की दिक्कत हो गई। जितना मर्जी दवाई कर लें, लेकिन अगर उसका मूल कारण ठीक नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगी, तब नहीं बीमारी ठीक होती। तो बीमारी होगी नहीं अगर हम थोड़ा जागरूक रहेंगे, और आप लोग जागरूक इसके बारे में कर भी सकते हैं, और समाज को जितना जागरूक करेंगे वो अच्छा रहेगा। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, सिंपल खाना खाना, सिंपल कपड़े पहनना, तो वो उससे हम निरोगी रह सकते हैं, उसी से हमारा सिस्टम कामयाब हो सकते हैं। चाहे हमारा पाचन तंत्र हो, लीवर, जैसे हमने खाना खाया, तो खाना जब खाते हैं तो खाना पेट में गया, पेट में से जाएगा स्मॉल इंटेस्टिन में, उसे लार्ज इंटेस्टिन में, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टिन में जाएगा खाने का पाचन होगा, तो जो गाल ब्लैडर है, पित्त की थैली, उस पर सारा पित्त उड़ेल देती है, पित्त उड़ेल दिया। अब 1 घंटे बाद कुछ हमने खा लिया दोबारा, तो वो पित्त तो अब है ही नहीं, पित्त तो सारा यूज़ हो गया, फिर वो कैसे पचेगा, फिर वो कलेजे पर खड़ा रहता है, फिर कहते हैं जी पता नहीं क्यों खट्टी तकार आ रही है, पता नहीं क्यों एसिडिटी हो रही है, क्योंकि जब मर्जी खा लिया, जब मर्जी वो कर लिया। तो उसे नियम जो भगवान ने मशीन तुम्हारी बड़ी अच्छी बनाई है, उसका बड़ा अच्छा मॉडल है। एक लड़का बुधिया सिंह है, आपको पता होगा, इंटरनेट पे है सारा, 14 साल का बच्चा है अभी, तो वो वर्ल्ड का यंगेस्ट मैराथन रनर है। आपको पता होगा 4.5 साल की उम्र में 65 किलोमीटर की दौड़ लगाई, जस्ट इमेजिन। जब मैं कहता हूँ बच्चों को मेरे पास आते हैं, मेरे तो पिछले 25 सालों में मैंने 7 लाख पेशेंट देख लिए, 7 लाख पेशेंट देखे हैं, तो मैं कहता हूँ कि इसको सुबह ना वॉक कराया करो 3-4 किलोमीटर की। बोलो डॉक्टर साहब 3-4 किलोमीटर की वॉक, ये तो अभी 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है। तो मैं क्या, ऐसा नहीं है, इसमें तो पोटेंशियल है, इसमें तो खूब भावनाएँ छुपी हुई हैं, इसके अंदर पूरी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, लेकिन आप लोग उसे उभारो। वो खुद भी नहीं जाते, फिर बच्चों को भी लेके नहीं जाते, कहते बच्चा डॉक्टर साहब क्या है ना, ऐसे करके टाल देते हैं। तो एक लड़का कैराना का लड़का है, यहाँ शैलेश्वर है कैराना में, तो उसका वो बच्चा भी 30-35 किलोमीटर की दौड़ लगाता है, अभी 5.5 साल का लड़का, इतनी उसमें पोटेंशियल है। तो बच्चों में पोटेंशियल की कमी नहीं होती, हमारे अंदर नहीं कमी होती, लेकिन मोटिवेशन नहीं होता, मोटिवेशन की कमी की वजह से तो उससे दिक्कत होती है। और या फिर पक्की सही चीज़ों का ज्ञान नहीं होता कि खाना खाया, खाने के बाद योग कर लिया, खाने के बाद एक्सरसाइज कर ली, वर्किंग कर ली, तो उसे और ज़्यादा सिस्टम खराब हो गया। कई बार रनिंग के लिए मैं जाता हूँ, रनिंग के लिए स्टेडियम में सुबह,
तो कई बार आते हैं बच्चे की जी मैं ये खा के आया हूँ वो टॉनिक, इसलिए ताकत आएगी, मैं ज़्यादा अच्छी रनिंग करूँगा। मैंने नहीं, 2 घंटे पहले, मैंने कहा कम से कम 2 घंटे पहले लो, उससे अच्छा रहेगा। या फिर कई बार जिम में जाते हैं लड़के, जिम में जाके थोड़ा सा 15 मिनट के लिए जिम करेंगे और 1000 रुपये का डिब्बा ले आएंगे, ये सप्लीमेंट है, इससे ताकत आएगी। ये गलत फहमियाँ होती हैं समाज में से, ये आप लोग दूर कर सकते हो। छत्रपति शिवाजी के देश में, महाराणा प्रताप के देश में, भगत सिंह के देश में, दारा सिंह के देश में, जिन्होंने कभी हेल्थ सप्लीमेंट यूज़ ही नहीं करे, जो मिसा की रोटी खाई, या फिर जो अंकुरित अन्न थे अंकुरित अन्न भिगो के रख दिए, या फिर मतलब शकरकंदी है या पेठा है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जड़ी बूटियां हैं, तो उनकी हर्ब लेके, आंवले की वो लेके, हेल्प लेके अगर हम निरोगी रह सकते हैं, फिर क्यों हम ये बाजार के हेल्थ सप्लीमेंट लें। दुनिया भर के हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं फिर भी विटामिन डी की कमी होगी, कई करोड़ लोगों को विटामिन डी की कमी है, जिसका भी टेस्ट करवाएंगे कि जी विटामिन डी की हमारी है। धूप में जाते नहीं, माताएं बहनें जाने नहीं देती कि काला हो जाएगा। मैं तो बचपन से धूप में खेला हूं, मैं तो काला नहीं हुआ, तो खाली ऐसे निकाला होते, और काला हो भी जाए तब भी क्या दिक्कत है, मेच्योरिटी तो नहीं, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। अगर डॉक्टर के पास गए और घर में छुपा के रख के उसे चॉकलेट ही मिला लिया बच्चे को, ऐसे भी बच्चे का क्या फ़ायदा। तो इसलिए बीमारी से बचने के लिए जितना नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करेंगे उस जैसी बराबरी नहीं हो सकती। बस ये कि छोटे छोटे नियमों का पता होना चाहिए हमें, कि जैसे लिखे तो बहुत टाइम से हैं, ये आयुर्वेद की एक बुक है, वैसे तो आयुर्वेद की जो चरक संहिता है, जो आयुर्वेद के जो मेन गुरु जो थे, जैसे चरक थे, ये थे सुश्रुत थे, वाग्भट जी थे, ये सारे लोग 100 वर्ष से ज़्यादा जिए। मेरे पापा 88 ईयर्स के हैं, 88 वर्ष के हैं मेरे पापा, 100% निरोगी हैं, 100% निरोगी हैं। तो क्योंकि हमारा खान पान ऐसे ठीक है, हम तो 1 क्विंटल मूंग की दाल लेते हैं, एक क्विंटल मूंग ले ली जैसे, और वही दल के खा लिए, और घर पे आटा चक्की रखी हुई है हम लोगों ने 15 साल से, आटा चक्की है। मेरी जो वाइफ है, उनकी जो परिवार है वो भी ट्रेडिशनल परिवार है, 5 बहनें हैं हम लोगों की, मेरी भी 5 बहनें हैं, 4 भाई हैं, तो खूब बड़ा सा परिवार है। और मम्मी ने ना कभी ऑपरेशन करवाया, नॉर्मल डिलीवरी से, मैं सारे 9 के 9 भाई बहन हम लोग सारे नॉर्मल डिलीवरी से, आजकल दूसरा बच्चा ही किसी सीजेरियन होएगा, ऐसा होगा नहीं। तो मानसिक जो शक्ति है ना, तो विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इन्होंने जो चरक संहिता जो लिखी है, चरक थे, सुश्रुत थे, वाग्भट जी थे, सभी लोग 100 वर्ष से ज़्यादा जिए, निरोगी जिए, बिना डॉक्टर के पास जाके जिए, दवाइयाँ नहीं खाई, ऑपरेशन नहीं करवाया। तो ऐसा तब हो सकता है जबकि हम छोटे छोटे नियमों का पालन करें। एक तो चरक संहिता होती है, उसे 2 वॉल्यूम होते हैं, मैं लाना भूल गया, बड़ी आप लोगों ने देखी है, किसने देखी है? चरक संहिता है ना, वाग्भट जी की भी है, कौन सी है वो संदीप जी, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, ऐसी पुस्तकें जिनमें बड़े छोटे छोटे नियम दिए हुए हैं, जिनकी की पालन ना करने के से की वजह से आज डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, आज डायबिटीज़ होती है, आज ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, छोटी छोटी चीज़ों का पालन ना करने से। तो एक इन्होंने बालकृष्ण जी ने छोटी सी बुक लिखी है, आयुर्वेद सिद्धांत अमृत, इसमें भी छोटे छोटे भोजन के नियम दे रखे हैं कि भी जो खाना खाएं, खाने के साथ एकदम पानी ना पिएं, पानी अगर 1 आधा घंटा पहले भी 1 आधा घंटा बाद पिएंगे तो पानी का उसका भोजन का पाचन अच्छा होगा। फिर खाना जमीन पे बैठ के, भूमि पे बैठ के भोजन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हमने चेयर पे बैठ के खाना खाया तो जो सारा जो ग्रेविटी है गोडों में आ जाती है ना, फिर दिक्कत होती है। अगर हम भूमि पे बैठ के ऐसे पालथी में करके खाना खाएंगे तो सारी ग्रेविटी हमारी मणिपुर चक्र में रहती है, सोलर प्लेक्सस में रहती है, सोलर प्लेक्सस जो है पूरे भोजन के पाचन कराने का जिम्मेदार है, जो मणिपुर चक्र है। तो मणिपुर चक्र हमारा सुरक्षित रहे, वो उसे खाना खाने के बाद गैस ना बन जाए, एसिडिटी ना हो, कलेजे पे ना रखा रहे खाना, तो उसके लिए पालथी मार के अगर चटाई पे आसन पे बैठ के भोजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी खाना खाते इसमें खाने में ध्यान रहे तो अच्छा है, मोबाइल में ध्यान ना रहे, टीवी देख के खाना ना खाएं, इन छोटी छोटी चीज़ों से हम निरोगी रह सकते हैं। सारे लोग दुनिया में 2-2, 3-3 स्वेटर पहनते हैं, उनके तब भी ठंड लग जाती है, और स्वामी रामदेव जी एक कपड़ा ओढ़ते हैं खाली, फिर भी नहीं उनको ठंड लगती। सोचने की बात है, हम भी खाना खाते हैं, वो भी खाना खाते हैं, केवल एक कपड़ा हल्का सा ओढ़ेंगे और फिर भी निरोगी रहेंगे पूरी सर्दियाँ। और जो 2-2 स्वेटर पहने फिर भी जी पता लगा उंगली नीली हो गई, मेरे को तो चिलब्लेंस हो गई, मेरे को तो ये ठंड लग गई, जुकाम खांसी जी देखो सर्दी आई और ऐसा हो गया। तो ऐसा उसे बचने के लिए हमें अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मशीनरी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, खान पान के नियमों का ध्यान रखना है। जितना सिंपल खाना खाएंगे, जो ताज़ी चीज़ है, हरी सब्जियाँ, दूध दलिया, खिचड़ी, दाल, रोटी, इससे तो बीमारी हो नहीं सकती। जहाँ हमने बासी चीज़ खाई, तली भुनी चीज़ खाई, बाजार की चीज़ खाई, वही चीज़ जाके सड़ेगी, कहने की फिर कहते जी मेरे को तो PCOD हो गई। जरा जरा सी लड़कियाँ 15-20 साल की, 30 साल की, उनको जी गर्भाशय में रसोली हो गई, ये यहाँ पे गांठ बन गई, बड़ों में लाइफोमा। मैं आजकल लाइव होता हूँ फेसबुक पे, तो उसमें 1 लाख लोग जुड़ जाते हैं, 1 लाख लोग, जैसे अब कल को थर्सडे है, कल को होता हूँ मैं शाम को 4 से 5 और संडे को शाम को 4 से 5, तो उसमें इतने क्वेश्चन आते हैं, 2500 क्वेश्चन 1 घंटे में आते हैं। जैसे मैं जब ओपीडी देखता हूँ तो मेरे ओपीडी तो मैं 200-250 देख सकता हूँ दिन भर में, लेकिन उसमें 2500 समझ लो ओपीडी हो जाती है, 2500 लोग 1 घंटे में क्वेश्चन डालते हैं, दुनिया भर के हर 2 सेकंड में एक क्वेश्चन आता है।
तो उसमें यही सारे क्वेश्चन आते हैं कि जी मेरे को यहाँ पे रसोली है, मेरा बीपी नहीं ठीक होता 20 साल हो गए, कोई कहता है जी डायबिटीज़ 15 साल से ठीक नहीं होती, किसी की डायबिटीज़ नहीं आज तक ठीक हुई, इंसुलिन लगता रहेगा, मेंटेन रहेगी डायबिटीज़, लेकिन डायबिटीज़ ठीक नहीं होती, ब्लड प्रेशर हो गया तो ब्लड प्रेशर जब तक दवाई लेते रहेंगे मेंटेन है, उसके छोड़ते फिर दिक्कत है, क्योंकि मशीनरी हमारी कामयाब नहीं रह पाती तब ऐसी दिक्कत होती है। तो मशीनरी को कामयाब रखने के लिए जितने छोटे छोटे नियमों का पालन करें उससे फिर नहीं दिक्कत हो सकती, फिर तो हम निरोगी रहेंगे रहेंगे। तो इसलिए आप लोग इन चीज़ों को समझते हैं बारीकियों को, जैसे मोहल्ले में तो कोई पार्क में बच्चा खाना खाया और खा के खेलने आ गया, वो ऐसा गलती कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इन छोटी छोटी गलतियों का एहसास कराओगे, छोटे छोटे नियमों को बताओगे, फिर नहीं बीमारी होती, फिर नहीं कोई इन्फेक्शन, ना तो इन्फेक्शन होते अगर छोटी छोटी चीज़ों का पालन करेंगे, ना लाइफस्टाइल डिसीज होती। लाइफस्टाइल डिसीज़ में तो ये भाई जोड़ों का दर्द हो गया, दमे की शिकायत हो गई, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, कब्जी, ये लाइफस्टाइल डिसीज़ हो गई। और इधर इन्फेक्शन में जो भी महामारी चलती रहती है, ये डेंगू आ गया, चिकनगुनिया आ गया, वायरल इन्फेक्शन आ गया, तो तरह तरह के इन्फेक्शनों से बच सकते हैं और लाइफस्टाइल डिसीज से बच सकते हैं। अगर खान पान रहन सहन मुकम्मल है उससे हमारा सारा सिस्टम कामयाब रहेगा, सही धोखा नहीं देता आसानी से जब तक कि हम गलती नहीं करते। इसी को आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि प्रज्ञा अपराधो ही सर्व्याधि मूलम, प्रज्ञा अपराध, हमें पता है कि फ्रिज का पानी नुकसान देगा फिर भी लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, पता है कि चाय नुकसान देगी फिर भी चाय पीते हैं, इसके बदले में सुबह गिलोय का काढ़ा ले लें, शाम को अर्जुन की छाल का काढ़ा ले लें, फिर दिक्कत ही नहीं हो सकती, फिर भी परेशानी होती, लेकिन लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों बस ऐसे कलेजे से मेरे रहता है, दर्द रहता है, पता नहीं क्यों मेरा बीपी ठीक नहीं होता, उन्हें पता है कि गलती कर रखी है लेकिन लोग बाज नहीं आते। तो इसलिए जितना आप लोग जागरूक करोगे भी प्राकृतिक उसमें रहें, तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप मच्छरदानी में सोते और बिना पंखे के आपको गर्मी नहीं लगती, मैंने कहा गर्मी तो एसिड से लगती है, जब एसिड बनता है, मनमर्जी का नमक खा लिया, मनमर्जी का मीठा खा लिया, तो जितने नियम बनाएंगे, तो मैं 15 साल से 2 बार खाना खाता हूँ, सिंधा नमक यूज़ करते हैं उसे, तो सिंधे नमक से एसिड बनता नहीं ज़्यादा, इसमें तो पोटेशियम क्लोराइड होता है सिंधे नमक में, और जो आम नमक होता है उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम से ही बीपी बढ़ता है, आप लोगों को पता होगा है ना, सोडियम से ही बीपी बढ़ता है, उसी से एसिड ज़्यादा बनता है, उसी से सारा शरीर में जितना भी ब्लॉकेज भी जो होगी इनसे, जितना हम फैटी डाइट लेंगे, ज़्यादा टेस्टी खाना लेंगे, ज़्यादा तला भुना, तब जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं, 2.25 अरब नस नाड़ियाँ शरीर के अंदर, उनमें जो ब्लॉकेज होती है खाली मनमर्जी का खाना खाने से होता है, अगर जो नीडेड खाना है, जो लंगर जैसा खाना है, जो भंडारे जैसा खाना है, जो खुले बर्तन में बनाया है, ताज़ा है, उसमें ब्लॉकेज हो ही नहीं सकती, और फिर उसके हिसाब से उसी के मुताबिक हम एक्सरसाइज भी कर लें। एक्सरसाइज में लोग कंजूसी कर जाते हैं खाने में कि हमें तो भगवान ने दिया, हम तो जो मर्जी खाएं मन मर्जी खाएं, वहीं फंस जाता है आदमी, तभी फिर कैलिबर कम होता है, तभी स्टैमिना कम होता है, नहीं तो हर किसी को दौड़ लगानी चाहिए 10 किलोमीटर की, वो उससे पीछे हम इसलिए हट जाते हैं क्योंकि मनमर्जी का खा लेते हैं, मनमर्जी के खाने से दिक्कत होती है, जितने नियमों के साथ बंद के रहेंगे तब फिर दिक्कत हो नहीं सकती, बाकी जितना हम चबा चबा के खाना खाएंगे तब सिस्टम कामयाब रहेगा। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सांस की दिक्कतें हैं, सांस की दिक्कतों का भी पोल्यूशन, कहने को तो पोल्यूशन है, लेकिन फिर भी अगर हम लाइफस्टाइल हमारी ठीक रहेगी फिर इतनी आसानी से सांस की भी दिक्कत नहीं हो सकती। तो उसमें भी सुबह शाम की ताज़ी आबो हमें बाहर आउटडोर के लिए अच्छा करें, लोग यूजली बच्चे भी इंडोर ज़्यादा रहते हैं, इंडोर का खेलना पसंद करते हैं आजकल, मोबाइल में या इसमें इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, पेरेंट्स भी किसी तरह एक्सक्यूज़ कर लेते हैं कि चलो अब ऑनलाइन पढ़ने का ज़माना है, ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर वो लोग आउटडोर के लिए समय दे दें तो अगर आधे घंटे में 3 किलोमीटर की 4 किलोमीटर की दौड़ लगा के आ गए तो उसे बाकी 22 घंटे उनके बड़ी कीमती हो सकते हैं, उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए खुद भी थोड़ा सा आउटडोर के लिए कोशिश करें, बच्चों को भी लेके जाएं, जिससे कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, उनके लिए कमाई करके तो जितना मर्जी दे दें लेकिन वो चीज़ काम नहीं आती, जितना अगर हम उनको संस्कार दे देंगे तो वो मेरा जो भतीजा है, बेटे से 2 साल बड़ा है, उसका IAS में 29th rank आया, सिंपल खान पान है, जहाँ पर मैं पढ़ा था 12वीं तक पढ़ा था वहीं वो पढ़ा, फिर जहाँ मैंने इलाहाबाद से MBBS किया था उसने भी इलाहाबाद से वो करी इंजीनियरिंग करी, तो उसका आराम से IAS में सिलेक्शन, वो 29th rank आई पहली बार में। तो इतना अच्छा तब हो सकता है कि जबकि सिंपल खान पान रहन सहन हो, कोई सोचे भी 1 लाख रुपए में देके और भगवद्गीता याद करा दें, तब पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन अगर लाइफ इजी है, इजी लाइफ है और बड़ी सदैव हमने नियम बना लिए हैं, तो उससे बड़ी बड़ी अचीवमेंट पाना भी बड़ा आसान हो जाता है। तो ये मैं चाहता था, बाकी आप लोगों का ही फीडबैक मैं चाहता हूँ कि अगर कोई क्वेरी हो, कोई भी हेल्थ इशूज़ के बारे में, कोई जैसे इस ट्रेनिंग के बारे में, सिलेबस के बारे में, कोई भी अगर आपका इश्यू है, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी अगर फीडबैक देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। खाने में जैसे सुबह के टाइम सब्जी हो गई, रोटी हो गई है ना, दाल हो गई, ऐसे शाम के टाइम खिचड़ी, सुबह 10:30-11 बजे का, शाम को 5-6 बजे का ये टाइम है ना। बीमारियों के बारे में पूछ सकते हो, नहीं कोई भी इशू है, जैसे इन्होंने पूछा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा था, ऐसे जो भी अगर आप लोग पूछे ना उससे अच्छा रहेगा कि फीडबैक दोनों तरफ से हो जाए तो अच्छा है। सुबह उठते ये वात रोग है जी, है ना, वात रोग है। एक तो सिंथेटिक कपड़े यूज ना करें, है ना, एक रात को कंबल ना ओढ़ें, खेस रहा ही ओढ़ें,
सूती छाट वाली रजाई हो या खेस हो उससे फिर इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मेथी आप आधी चम्मच मेथी जैसे रात को भिगो कर दी, सुबह खा ली, सुबह भिगो कर दी, शाम खा ली, और भारी चीज़ ज़्यादा ना लो। जब तक आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, जब तक आप 3-3, 4-4 किलोमीटर की वॉक नहीं करें, तब तक उड़द, राजमा, छोले, पनीर, मटर ये ज़्यादा पचेंगे नहीं, बाई वाली चीज़ ज़्यादा नहीं। सोने से 2 घंटे पहले, और थोड़ा सा आपको अगर ऐसा है तो आप थोड़ी सी हल्दी डाल के ऐसे तब ले सकते हैं। आपस में बातचीत मत करो, आपस में मत बोलेंगे। अगर जिनको अटेंडेंस लगाए, सफेद बाल अटेंडेंस लगाए चलाए, हाँ हाँ बोलेंगे, नहीं बैठ जाए सब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोगों का क्वेश्चन है कि सफेद बाल हो जाते हैं, तो बच्चा हो या बड़ा हो, एक तो नमक से सफेद बाल होते हैं, सबसे बड़ा कारण नमक है। सिंपल नमक के बदले में अगर सिंधा नमक यूज करेंगे फिर नहीं होते हैं ना, पित्त से बनते हैं। एक गर्म पानी से ना नहलाएं, ज्यादा ताजे पानी से। हम लोगों ने ना, मैंने पूरे कार्तिक में सरोवर में स्नान किया है, सुबह 4:30 बजे पूरे कार्तिक के महीने। अब माघ मास का महीना आ गया, फिर ताजे पानी से नहाना शुरू कर दिया, तो अगर ताजे पानी से नहाएंगे एक तो फिर निबाल सफ़ेद होते, एक नमक का ज़्यादा, एक बासी चीज़ ना खाए बिल्कुल भी, जंक फूड, बिस्कुट, ब्रेड, रस, ये सब बासी भोजन है, गज्जक रेवड़ी भी बासी भोजन है। तो ताज़ा तिल का लड्डू बनाया खा लिया हो तो ठीक है, लेकिन बासी चीज़ खाएंगे उससे बाद एक सिंथेटिक कपड़े से बाल सफ़ेद होंगे, उसे ही पित्त प्रकोपित रहता है। मान लो रात को कंबल ओढ़ के सो गए या नायलॉन की इनर पहना दी, टी शर्ट पहना दी, इनसे दिक्कत हो जाए, सूती ऊनी से नहीं बाल सफ़ेद हो। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। मतलब फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो वो करें प्राणायाम कर लें, दूसरा ठंडी चीज़ ज़्यादा ना लें, है ना, तो भोजन संतुलित हो तो अच्छा है। अगर पता टेस्टी चीज़ आप लोग सोचते भी ज़्यादा दूध से ताकत आएगी या ज़्यादा फल से आएगी, इनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, इसे सांस फूलेगी, घास फूस से सांस नहीं फूलती, दाल रोटी सब्जी से तो सांस नहीं फूलेगी, ज़्यादा दूध पीने से, ज़्यादा फल खाने से या ज़्यादा मीठा खाने से या कोई भी बासी चीज़ फिर सांस फूलेगी, वो पच नहीं पाएगी। ये भी पित्तवर्धक खाना खाने से झाइयाँ होती हैं, है ना, ताजे पानी से नहाएं फिर झाइयाँ नहीं होंगी, है ना, मेथी का उपयोग करने और पित्तवर्धक भोजन, हाँ हाँ गर्म खाने का पित्त बढ़ेगा ज़्यादा ही, है ना, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अगर एक चीज़ में अधिकता है सही, मतलब भोजन में 48 मिनट के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए, जब तापमान स्किन जैसा हो जाए, जो शरीर का तापमान है, अगर ऐसा भोजन करेंगे फिर बीमारी, अगर स्वाद के चक्कर में ठंडा खाएंगे या गर्म खाएंगे दोनों ही नुकसानदेह हैं, उष्ण भी इतना होना चाहिए, हाँ मतलब ज़्यादा गर्म ना हो, हमारे स्किन के तापमान से मैच, ज़्यादा एकदम गर्म गर्म नहीं, हमारे स्किन के तापमान से मैच कर जाए, वो वाला खाना सबसे अच्छा है। ओके, लंच फल, हाँ उठने के बाद पत्ते, हम लोग पत्ते खाते हैं सुबह, जैसे योग कर लिया 1 घंटा वॉक कर ली, तो उसमें पत्ते का सबसे अच्छा भोजन है, जैसे जो भी मौसम है उस हिसाब से, इसके बेलपत्र के पत्ते खा लिए, शीशम के पत्ते खा लिए, या इसके मीठे नीम के पत्ते, या आंवला ले लिया आप, इस तरह के से। कितने बजे वो जब जैसे फ्री हो जाए, इसे वॉक करके रनिंग, हाँ 8, 8:30, 10:30 बजे है जी, ये खुद अपना बॉडी बताएगी, अपना खुद के भी वो नहीं करने चाहिए ना, एकदम फिक्स नहीं कर सकते भी ऐसे, जैसे शीशम के पत्ते तो 20-25 खा सकते हैं, हाँ उसकी फिजिकल एक्टिविटी, एक तो मालिश बहुत जरूरी है शरीर की, अगर शरीर की मालिश करेंगे समय समय पे तो सिस्टम बड़ा कामयाब रहेगा, ये हर कोई ध्यान रखें। तिल का तेल ज़्यादा अच्छा है नॉर्थ इंडिया के लिए, खासकर तिल का तेल बहुत अच्छा है, तो तिल के तेल से मालिश करें, रनिंग योगा कराएं, वॉक कराएं, जैसे मैंने बताया मेरी गुड़िया ने ऐसे कराओ, फिर वो लेने 2 घंटे के बाद कुछ दें, सुबह उठी सैर कर ली, वॉक कर ली, योग कर लिया, फिर 2 घंटे बाद कुछ देना, फिर पचेगा, अभी जगह नहीं होगा, कभी कभी है, नहीं नहीं कभी नहीं होगा, फिर आप ऐसे नहीं, फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखो। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी, योग प्राणायाम से ठीक होगा धीरे धीरे, पिछले 10 साल से मान लो जो भी मिस्टेक की होगी ना उससे ऐसा हो रहा है, आगे से बाई वाली चीज़ तब तक ना लो आप, है ना, उड़द है या कोई भारी चीज़ है, फैटी चीज़ है, या मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ना लो, दूसरे बनीशियम बहुत ज़्यादा ना लो, और बाकी मेथी का उपयोग कर लो, है ना, ऐसे और आप जो जो पूछना चाहते हो अपने प्रश्न यहाँ पर रहेंगे, रोटी खाते ना, हाँ इस जगह जब तक आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ऐसे हो जाता जैसे बुद्ध बालियों में इतना खाली पेट, जब तक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ना आपको, तब तक दूसरे बनी चीज ना लो आप जी, दूसरे बनी चीज तब तक ना लो जब तक गैस हो, है ना, सब्जी लाओ, खिचड़ी दलिया, दाल रोटी खाओ, बुला और नमक और मीठा दोनों चीज़ खाओ, फिर नहीं इनसे गैस में मसाले वगैरह वो तो कम करने, और चाय तो नहीं, चाय छोड़ दीजिए, हाँ चाय नहीं हफ्ते से छोड़िए ना, हाँ तो उसका फिर लंबे टाइम में फर्क पड़ेगा, दाल रोटी सब्जी से कभी गैस इनसे होता है, ये 3 चीज़ मैंने बताई आपको, मैंने 3 आप प्राणायाम भी करो, लेकिन जो मिस्टेक हुई है अभी चाय पी है पहले जो गलत खाए, जो मैंने चीज़ बताया ना, उड़द, राजमा, छोले, मुझे पता है, हाँ हाँ उड़द
शायद राजमा छोले पनीर मटर ये तभी पस सकते हैं कि जब कोई सुबह शाम बैठ जाओ। नहीं एक ही बात है, नहीं आप बैठ के बैठ जाओ आराम से जी बैठ जाओ सर, आप भी बैठो सर, आप बैठो। ये अंगूठा है, सर्दियों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, छोले भी नहीं देता, जाके काटना पड़ता है। तो कुछ दिखाया भी था आपने किसी को? दबाने से भी दर्द होता है? नहीं दबाने से कुछ नहीं होता है, तो ये बात रोग है ना भाई, यहाँ से भी ये बिल्कुल नरम है। अच्छा, जैसे ये भी फटने लग गया है तो ये बात रोग। तो इसमें एक बार उनको इनकी जो पतंजलि के वैद्य इनको दिखा भी देना, एक तो मेथी का उपयोग करना पड़ेगा इसमें है ना, नमक थोड़ा सा कम कर दो आप है ना। और आपका क्या शेड्यूल है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी कितनी है और योग वगैरह कितना करते हैं? थोड़ी सी मात्रा बढ़ानी है ना, आउटडोर एक्टिविटी भी कर लो जिससे कि शरीर की नसें खुले, जितनी नस खुलेंगी योग प्राणायाम से खुलेंगे, मेथी आदि आदि समय, हाँ मेथी आदि आदि समय सुबह शाम दो लो, उनको दिखा के थोड़ी सी दवाई भी दे देना, वो दवाई बता देना, सौंठ मेथी हल्दी इनसे फायदा हो सकता है। ठंडी चीज़ अभी तब तक ना ही लो ज़्यादा, चावल केला दही जूस इनसे थोड़ा बचना पड़ेगा। ये पित्त का प्रकोप है जी है ना, पित्त बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, एक तो नमक से बचना पड़ेगा है ना, नमक है ना, और कोई भी तली चीज़ कोई भी बासी चीज़ है ना इनसे बचना है, और बाकी तो योग भी अच्छी मात्रा में कर लो, आंवले का उपयोग कर सकते हो, योग अच्छी लगेगा, आंवले का उपयोग कर लो है ना, पित्तवर्धक चीज़ ना लो, और कोई वो चीज़ वो नहीं आती, और ओढ़ने में रात को कंबल नहीं ओढ़ना, कंबल से पित्त प्रकोप हो जाता है। ये हरण मुरब्बा, हरड़ मुरब्बा सबसे अच्छी, हरड़ मुरब्बा जो आता है, नहीं नहीं बना बनाया आता भी है वैसे, हरड़ मुरब्बा मिक्स है सर, ये अलग नहीं नहीं हरड़ का ही मुरब्बा, हरड़ मुरब्बा पतंजलि का आता है हरड़ मुरब्बा, वो खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद एक हरड़, जब भी पेट भर के खाना खाते हो आप है ना, उसमें खाने के एक घंटे बाद ऐसी शाम में खाने, और शाम का खाना 6-7 बजे मैं तो सर 6:30 सर मेरे ना प्राणायाम की मात्रा बढ़ाओ आप, मुक्तावटी ले लो इनकी, पतंजलि की मुक्तावटी एक एक सुबह शाम वो ले लो, और प्राणायाम अच्छी मात्रा में करो 2 घंटे। देखो जो 1 घंटे का प्राणायाम है वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, हेल्दी है तो हेल्दी, हाँ इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, बॉडी का हार्मोन का बैलेंस ठीक करना पड़ेगा है ना, तो उसके लिए प्राणायाम सुबह 2 घंटे करोगे उससे ठीक हो, मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह के 2 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे, और जो मैंने खान पान बताया जो ठीक है, खाना खाने के बाद छुट्टी ही मारा, हाँ ये पित्त होता है, हाँ पित्त बड़ा हुआ है तो इसलिए नमक तो कम करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 1 टाइम के खाने में नमक लो आप, 1 टाइम की सब्जी बिना नमक की लो, तब जाके महीने भर में जो पेट में फारा सा रहे सर खाने के बाद, जैसे वो बता दिया मैं, एक तो दूध से बनी चीज़ें इनसे बचना पड़ेगा, दूध से बनी चीज़ें, जो दूध से बनी चीज़ होती है ना, बिल्कुल इससे गैस नहीं, इससे तो एसिडिटी, ना 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 गैस नहीं, इससे एसिडिटी जाना है, जब तक है आप ये ना ही लो दूध है ना, दूध से बनी चीज़ ना लो कोई भी खिचड़ी दलिया, लस्सी बस ले सो जिसमें से मक्खन निकल गया, जो छाछ है प्योर छाछ जो है दिन में लेते हैं, जब पहले रात के लिए अगर था वो बंद कर दी मैंने, रात को लेने नहीं, सुबह मतलब दही को डाल के नहीं लेना, दही को डाल के नहीं, जिसमें से मक्खन निकल गया वो ले लो, दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज ना, रात को दही और आंवला, आंवला दाद हो जाते हैं बॉडी को, हां दाद दाद पित्त का प्रकोप यूज करें सर, आंवला खाने का यूज करते हो उसके लिए जी है ना, सुबह के टाइम जैसे लेना, उसके लिए तो इलाज करना है, दवाई करनी है, देखो आगे से ना हो दाद उसके लिए तो लाइफ स्टाइल ठीक रखनी है, पित्तवर्धक खाना ना खाएं, और जैसे सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल ना पहने, सिंथेटिक चीज़ कोई भी नहीं पहने किसी भी हालत में, और बाकी वही बात है भी सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, प्राणायाम करना, और जो हो गया तो उसके लिए एंटीफंगल ट्यूब भी लगानी है 2 महीने के लिए, और टैबलेट भी खानी है 2 महीने के लिए। मेरी वीडियो देखना आप रात वाली जगदम्बा बेबी के नाम पर, वही वीडियो 30 मिलियन लोगों ने देखी है, लाइफ स्टाइल सुबह 2 घंटे का योगाभ्यास है ना, सिंपल खान पान, रात को जल्दी सोना, जो खिचड़ी दलिया दाल सब्जी रोटी ये 5 ही हैं, यही 100 साल तक निरोगी रखेंगे। ज़्यादा ताकत वाली चीनी लेना उससे दिक्कत पड़ेगी, जितना ज़्यादा घी दूध लेंगे उसी दिक्कत होगी, क्योंकि मेहनत उतनी है नहीं, घी दूध खूब ले लिया बीमारियाँ सारी ब्लॉकेज होगी, सारा जो कोलेस्ट्रॉल जो बनता है ना शरीर में वो सारा एनिमल फैट से बनता है, प्लांट की किसी भी चीज़ से कोलेस्ट्रॉल नहीं बन सकता है ना, सब बनता है ये सब उसे, तो लोग खाते खूब हैं लेकिन मेहनत कर नहीं पाते, इसीलिए ब्लॉकेज होता है, स्टैंड डालना पड़ता है, तो इसलिए उनको तो लगभग छोड़ ही दो आप, दाल घास फूस खाएंगे तो नहीं कभी स्टैंड लगाना पड़ेगा। सर मैं एक बच्चे बिटिया ऐसे है सर, उसने मतलब 2.5 ईयर तक दूध पी है, अच्छा उसके बाद मतलब उसको ना वाइट जो से ऐसी नफरत है, मतलब दूध नहीं लेती, क्या वो क्या डाइट है उसकी, कितने साल की अभी आप कर रहे हो? 14 की है। 14 की क्या डाइट है उसकी? डाइट सर मॉर्निंग में वही मूडी है, एक चपाती ले ली, अच्छा, और लंच में भी अगर मैं घर जाके गर्म गर्म तवे से बन रही है वो खाएगी, अदरवाइज जो मॉर्निंग में बनी रखी हुई नहीं खाती है। फिर शाम क्या लेती है? सर वही चटपट बच्चे छोड़ते नहीं है ना, ऐसे बात नहीं, मेरे बच्चे तो नहीं लेते,
ऐसे नहीं, तो आपने संस्कार नहीं दे रखे उनको। आप एक तो मैंने आपको बताया, आपने सुना नहीं, आपने ध्यान से मैंने कहा ना कि नहीं, वो तो डेढ़ घंटा योगा कर दिया सुबह इनके डॉक्टर मीत के पास आए कर दिया, फिर आप क्यों नहीं करा दिए? बच्चे को ना ब्लेम करो, आप संस्कार दो उसको, डेढ़ घंटा योग कराओ, फिर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सुबह 5 बजे उठ के डेढ़ दो घंटे योग कराओ, 4-4 किलोमीटर की रनिंग कराओ सुबह शाम, फिर देखो आप मेरे साथ बात करना 2 महीने के बाद। इसमें नहीं कोई दवाई का नहीं सहारा लेना भी, दवाई एक बेटा पता नहीं 2 दिन से कह रहा है कि मम्मा खाना खाता हूँ तो यहाँ पेट में दर्द है। हाँ, पिछले 1 हफ्ते में कुछ ऐसी भारी चीज खाई होगी उसने, उड़द, राजमा, छोले, पनीर मटर, कुछ गज्जक रेवड़ी, वो दें। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो फिर फिजिकल एक्टिविटी तो खूब करें, खाना फिर भी सिंपल खाएं, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फिर है ना। मशीनरी पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, मशीनरी पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। एक सिर्फ उन बेटों की नींद बहुत कम है, वो फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ेगी ना, जितना मेहनत करके आया होगा तो बड़ी गहरी नींद आएगी। नहीं, जब से भी है, जब से भी है उसका वे आउट ये है, उसका कह रहा हूँ वे आउट ये है, सुबह शाम की आउटडोर एक्टिविटी अच्छी रहे और खाना सिंपल हो, तब गहरी नींद। जो जो बच्चा स्टेडियम में जो मेरे साथ दौड़ लगाते हैं उनको कभी नींद का इशू हो सकता है? जो 25 चक्कर काटते हैं स्टेडियम के, वो कैसे नींद नहीं? नॉर्मली बच्चा जैसे 9-10 बजे कहता है कि नहीं, वो तो मुझे पसा रहा पता है, लेकिन आप ये कराओ, ये प्री रिक्विजिट पहले, मतलब उनको फिजिकल वर्क करवा के देखते हैं कि वो सो पाते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल उसका तो फिर नींद आएगी। आपको 3 बजे के बाद ठंडा पानी पीते हैं ना, मतलब भूख लग रहा है कौन सा ठंडा पानी? हेलो, हाँ हाँ अंजलि जी, गर्म पानी पीते हैं। हाँ हाँ, बचपन से ही उनकी है, दिन में कभी सोए ही नहीं हुए। अभी मैं आधे घंटे में पहुँचूँगा हॉस्पिटल, है ना? हाँ हाँ, ठीक है ले आओ फिर। ठीक है, क्या कह रहे थे आप जी? ठंडा पानी, कैसे ठंडा पानी, ताज़ा या ठंडा? कैसे ठंडा पी लेते हैं, जैसे ताज़ा, जब सर्दी है ना तो गर्म ही पीते हैं। तो बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, फिर सुबह शाम की लंबी वॉक भी करें, जिससे कि बॉडी जो जो हमारा तापमान का वो सेंसर होता है हमारे हाइपोथैलेमस में होते हैं ना, तो उसके लिए उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैच्योर बने हमारी बॉडी। एक तो तिल के तेल से मालिश करो पूरी बॉडी की, है ना, तिल के तेल से, तिल के तेल से पूरे शरीर की मालिश करें, सुबह शाम लंबी लंबी वॉक करके सुबह योगा अभ्यास करें, उससे शरीर परिपक्व बन जाएगा। ये मैंने कच्चे शरीर के लक्षण है ना, तो इसमें कोई दवाई नहीं, अभी दवाई दे दें और आप ठंडा पानी, है ना, ये तीन समाधान करने हैं, योगा अभ्यास करें, मालिश करें, सुबह शाम की वॉक करें, फिर फर्क। ठीक है, कर दो मैं।